अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामी जनरल नॉलेज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की सीरीज में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में कुरान करीम की दिलचस्प और बड़ी गहरी मालूमात है, तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सवाल नंबर एक, कुरान करीम में कितने और कौन कौन से शहरों का नाम आया है? और इसका सही जवाब है, कुरान करीम में तीन शहरों का नाम आया है। नंबर एक यसरब, नंबर दो बाबुल, नंबर तीन मक्का। सवाल नंबर दो, कुरान करीम में कितने और कौन कौन से पहाड़ों का नाम आया है? और इसका सही जवाब है, कुरान करीम में चार पहाड़ों का नाम आया है। नंबर एक कोहे जोदी, नंबर दो कोहे सफा, नंबर तीन कोहे मरवा, नंबर चार कोहे तूर। सवाल नंबर तीन, कुरान करीम में कितनी और कौन कौन सी धातुओं का जिक्र आया है? और इसका सही जवाब है, कुरान करीम में चार धातुओं का जिक्र आया है। नंबर एक लोहा, नंबर दो सोना, नंबर तीन चांदी, नंबर चार तांबा। सवाल नंबर चार, कुरान करीम में कितने और कौन कौन से दरख्तों का नाम आया है? और इसका सही जवाब है, कुरान करीम में तीन दरख्तों का नाम आया है। नंबर एक खजूर का दरख्त, नंबर दो जैतून का दरख्त, नंबर तीन बेर का दरख्त। सवाल नंबर पाँच, कुरान करीम में कितने और कौन कौन से परिंदों का नाम आया है? और इसका सही जवाब है, कुरान करीम में पांच परिंदों का नाम आया है। नंबर एक हुदहुद, नंबर दो अबाबील, नंबर तीन कौवा, नंबर चार तीतर, नंबर पांच बटेर। सवाल नंबर छह, कुरान करीम में कितनी और कौन कौन सी सब्जियों का जिक्र आया है? और इसका सही जवाब है, कुरान करीम में चार सब्जियों का जिक्र आया है। नंबर एक साग, नंबर दो ककड़ी, नंबर तीन लहसुन, नंबर चार प्याज। सवाल नंबर सात, कुरान करीम में पैगंबरों के नाम पे कितनी और कौन कौन सी सूरतें हैं? और इसका सही जवाब है, कुरान करीम में पैगंबरों के नाम पे छह सूरतें हैं। नंबर एक सूरह यूनुस, नंबर दो सूरह यूसुफ, नंबर तीन सूरह हुद, नंबर चार सूरह इब्राहिम, नंबर पाँच सूरह मोहम्मद, नंबर छह सूरह नूह। सवाल नंबर आठ, कुरान करीम में कितनी और कौन कौन सी सूरतों के नाम में नुक्ता नहीं आता? और इसका सही जवाब है, कुरान करीम की 12 सूरतों के नाम में नुक्ता नहीं आता। नंबर एक सूरह माईदा, नंबर दो सूरह तौहा, नंबर तीन सूरह राद, नंबर चार सूरह रूम, नंबर पाँच सूरह सौद, नंबर छह सूरह मोहम्मद, नंबर सात सूरह तूर, नंबर आठ सूरह मुल्क, नंबर नौ सूरह दहर, नंबर दस सूरह आला, नंबर ग्यारह सूरह आसर, नंबर बारह सूरह हूद। सवाल नंबर नौ, कुरान करीम में लफ्ज इबलीस कितनी मरतबा आया है? और इसका सही जवाब है, कुरान करीम में लफ्ज इबलीस 11 मरतबा आया है। सवाल नंबर 10, सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? जवाब, सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम इसरा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।